एक्समैको रेल पे आते हैं, यहाँ पे कुछ मर्जर डीमर्जर्स की कुछ खबरें हैं एक बार, क्योंकि रेलवे काउंटर्स काफ़ी से चल रहे हैं, मैं पता कर लेता हूँ। प्रशांत जी चेक कीजिए जरा टेक्समैको रेल। जी निम्बे जी, यहाँ पे आप शुक्रवार को ही देखे तो एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन होके वॉल्यूम बैक मूव आई थी जो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 124, 124। जो टारगेट आप रख सकते हैं वो होगा 155, 155 का। मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रांग है और हायर टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है, तो बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम को पुल कर सकते हैं। तो जो मैंने टारगेट्स और स्टॉप लॉस दिए 125 और 155। 125 से 155 की रेंज ऊपर जाएगा, बाय कर लीजिए, स्टैंप लगा दी हमने। ग्रासिम इंडस्ट्रीज बोर्ड की बैठक है, पैसा रेस करना चाहते हैं, इससे पहले थोड़ा शेयर चल भी चुका है। सोनी एक बार ज़रा चेक करेंगे ग्रासिम के चार्ट, आपको इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं क्या? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, अगर मैं पोजिशनली देखूं तो ग्रासिम काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम में भी है। 1950 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, तो जब तक ये होल्ड करते हैं मेरे ख्याल से ग्रासिम यहाँ से लेके 2020-2040 के रेंज में जा सकता है। वो एक रेंज के ऊपर निकालता है तो वो काफी और स्ट्रांग होगा और रैली एक्सटेंड करेगा अप टू 2100। तो ये पोजिशनल प्ले होगा, इंट्राडे में मत जाइए इसमें। इंट्राडे में अगर आपको जाना है तो इसमें वेट कीजिए 2020 के ऊपर निकालने के लिए। पोजिशनली जितना आपको डिप मिले अराउंड 1960-1970 आप इसमें ले सकते हैं, 1950 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, ग्रासिम को खरीदने की सलाह है। आज बोर्ड पूंजी जुटाने पर विचार करेगा इसकी, और एक बार अविनाश के साथ ये स्टॉक डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार शिवानी को भी वेलकम कर देते हैं। शिवानी मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास फट लौटते हैं, एक बार अविनाश से स्टॉक पर पर्टिकुलरली उनका एक नजरिया समझ लें। अविनाश, क्योंकि ग्रासिम पर थोड़ा डेट तो ऑफकोर्स उन्होंने एक अच्छा खासा कैपेक्स आउटले किया है अपने पेंट बिजनेस को लेकर, अब अग्रेसिव, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा जब ये बात हुई थी कि ग्रासिम भी पेंट बिजनेस में उतरेगा, तो उस वक्त बातें बहुत सी थी कि अभी बहुत बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं उनके सामने और लंबा समय है। लेकिन अब तो समय दिख रहा है कि जहाँ पर कंपनी अपने अग्रेसिवली प्लान्स ले आउट कर रही है, अपने डेट को लेकर कहीं ना कहीं उनको फंड इन्फ्यूज करने के लिए प्लान्स ले आ रही है और क्लियरली कह रही है कि वो नंबर टू प्लेयर बनना चाहते हैं मार्केट पेंट बिजनेस में। और हम देख रहे हैं ग्रासिम इस न्यूज़ से पहले ही, क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग है, लेकिन उससे पहले थोड़ी मूव इसमें आ भी चुकी है। लेकिन अगर ये डेट फ्री हो जाते हैं, लगभग इनका Q1 FY24 में लगभग 3500 करोड़ का डेट था और वो FY26 और जम्पशन जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है वो लगभग 8,000-10,000 करोड़ है और इतना ही वो फंड इन्फ्यूज करने की बात भी कर रहे हैं, तो आप किस वैल्यूएशन पे ग्रासिम को देखते हैं? चुकी है। और अगर हम सारे इनके इनिशिएटिव देखें तो पेंट बिजनेस में इन्होंने करीबन 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा फ्यूचर का जो कैपिटल कैपेक्स का ग्रोथ है उसके लिए उनको पैसे की जरूरत लगेगी, लेकिन सारे बिजनेसेस जो वो कंट्रोल करते हैं काफी ग्लोबल स्केल के ऑपरेशंस है। मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से भी अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदता है तो मेरे ख्याल से सीमेंट में इनके पास जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो अल्ट्राटेक की है। हालांकि इनके पास आइडिया का भी शेयर होल्डिंग है, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्ट्राटेक जैसे बड़ी सीमेंट कंपनी में ये बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से अभी पेंट के बिजनेस में वो उतर रहे हैं, लग तो रहा है कि अगले 1.5-2 साल में काफी अच्छा मार्केट शेयर वो कंट्रोल करेंगे। तो मेरे ख्याल से किस प्राइस पे ये इशू करेंगे, किस प्रकार से डाइल्यूशन करेंगे ये देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट प्रियंका काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर आज मार्केट थोड़ा शुरुआती सत्र में अगर थोड़ा सा वीक खुलता है और आपको ग्रासिम थोड़ा सा निचले लेवल पे मिलता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में मिलने की पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी।